हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 9th गद्य खंड लेसन 1 प्रेमचंद। कवि परिचय। प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो इसमें कब हुआ, प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। आपसे पूछेंगे कि उसका मूल नाम क्या था, तो क्या नाम था? धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो गई, यानी कहाँ तक पढ़े थे वो, बीए तक। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु वो नौकरी लग गए थे शिक्षा विभाग में, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। यानी कि उनमें उन आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। यानी लेखन कार्य के प्रति वो पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। देहांत यानी मृत्यु। आपसे पूछेंगे कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई, तो कब हुई, 1936 में इसका देहांत हो गया। मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। कि प्रेमचंद की कहानी कितने भागों में संकलित है, तो कितने भागों में है, 8 भागों में। नंबर 1 सेवा सदन, यानी सेवा करते थे। प्रेमाश्रम, प्रेम भाव था। रंगभूमि, रंगभूमि यानी भूमि के प्रति। कायाकल्प यानी शरीर के प्रति। निर्मला यानी दया भाव, गबन के प्रति। कर्म भूमि यानी जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको भूमि प्रदान होगी। गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कोई आपसे पूछे कि उसने कौन सी पत्रिकाओं का, तो हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के प्रवेश को देखा और जिया, उसकी उन्होंने, प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति था, उन्होंने हर शहर और हर गांव को चरित्र यानी उनको देखे, देखा और जिया, यानी कि हर गांव को उन्होंने देखा और जिया। उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि हर गांव की उन्होंने जो वर्णन किया वो कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी कि उन्होंने सभी का शोषण यानी सभी को, यानी सभी का वो किया, उन्होंने सभी की मदद की। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। यानी कि संसार में जो भी व्यक्ति है तो प्रेमचंद है, उन्होंने सभी की सहायता की। उन्होंने मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। यानी पशु पक्षियों को भी उन्होंने बहुत आत्मीयता दी।
बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, जीव यव मुहावरे हैं तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है, यानी लोक परिचय उन्होंने कुशलतापूर्वक यानी खुशी खुशी जो भी कहा उन्होंने खुशी खुशी शब्द कहा। थैंक यू।